नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक रहेगा बिहार स्पेशल करंट। इसमें मैंने स्टेट वाइज जितनी भी चीज़ें अब तक बिहार में हुई हैं उनको ऐड कर दिया है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, बिहार 67th जो हुआ था उसमें क्वेश्चन बना था सीता माता का मंदिर, इस टाइप का एक क्वेश्चन था सीता माता जी का, तो वो सीतामढ़ी में था। उसी टाइप के मैंने इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं, उसको करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं पटना। पटना में FPI का ऑफिस खुला है, साथ में गौवंश कार्यक्रम मतलब गौवंश का डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन यहाँ पर खोला गया है। पोषण विलेज भी आपका पटना में ही है। फर्स्ट इनलैंड रिपोर्ट फतुहा के अंदर, ये पटना के अंदर है। साथ में सूटकेस इन्वर्टर की मतलब एक सूटकेस इन्वर्टर है, इसको बनाया है IIT पटना ने। वहीं पर लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो पटना की रैंक है वो 33 है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है पटना में। ट्रैफिक पार्क पटना में है। इसी के साथ इस्कॉन टेम्पल पटना के अंदर मिलेगा आपको। इंडियाज फर्स्ट सोलर एनर्जी बेस्ड कोविड हॉस्पिटल, ये भी फतुहा के अंदर यानी कि पटना में इस्टेब्लिश है। बिहार के मैप के थ्रू आप इसको देख सकते हैं, ये बीच से गंगा जाती है और ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है और यहीं बीच में है आपका पटना। नेक्स्ट, अभी पटना ख़त्म नहीं हुआ है, साथ में अभी सूफी महोत्सव पटना में मनाया गया। फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग सेंटर भी पटना में है। स्वच्छता में रैंक है पटना की 44। ये ब्रेल मैप की स्थापना भी पटना में की गई है। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये भी आपका पटना में और सेकंड भागलपुर में है, ये आपको याद रखना है, सेकंड वाला भागलपुर में। साथ ही बापू टावर आपको पटना में मिलेगा गर्दनी बाग के अंदर। फर्स्ट खादी मॉल आपका पटना में है। तरकारिया एक्सप्रेस पटना में। स्टार्टअप कॉन्क्लेव पटना में। फर्स्ट रेजिडेंशियल स्पोर्ट अकेडमी आपकी पटना में है। NIT पटना स्टार्ट मतलब NIT पटना जो है वो हिंदी में टीचिंग पढ़ाने के लिए सबसे पहले बिहार में उसने शुरुआत की है। फर्स्ट बायोडीजल रिफाइनरी अकेडमी ये भी आपकी पटना में ही है। नेक्स्ट में देखें तो APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना पटना में की गई है, ये बिहार की पहली है। बिहार में पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी, ये पशु नहीं है ये पशु है, इसको आप ऐसे याद करेंगे, ये पशु विज्ञान है, यहाँ पे यू आएगा, ये पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी आपकी पटना में ही है। इसके साथ फ्लोटिंग CNG सेंटर ये भी आपका पटना में है। जीनोम सिक्वेंसिंग लैब ये भी आपके पटना में है। फर्स्ट डबल डेकर ब्रिज पटना के अंदर। महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट, ये यूट्यूब पर सुनवाई करने में पटना का स्थान 5वां है। नेक्स्ट है आपके पास अररिया। अररिया में ये सेकंड जू मतलब बिहार का सेकंड जू यहाँ पे खोला गया है अररिया में। अरवल देखते हैं, अरवल में ऐसा कुछ खास था नहीं, तो सबसे ज़्यादा लीस्ट रेनफॉल यहीं पर होती है और ये बिहार का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि जहानाबाद से कट करके अलग हुआ है। इसके बाद देखते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में नबी नगर थर्मल पावर प्लांट आपको औरंगाबाद में मिलेगा। मैग्नीशियम रॉक भी आपको औरंगाबाद में ही मिलेगी। बांका में बात करें तो ओढ़नी डैम आपको बांका में मिलता है और इसको अब एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। मंदार माउंटेन इसको एक सेंचुरी के रूप में बनाया जाएगा, ये भी आपकी बांका में ही है। डिजिटल लाइब्रेरी जो आपके जेल में लोग हैं उनके लिए शुरुआत की गई है बांका में ही। और बाउसी मेला का यहाँ पे आयोजन किया गया था, ये भी कहाँ पर हुआ आपका बांका में। नेक्स्ट है आपके पास बेगूसराय में आपका बॉटलिंग प्लांट, ये आपका बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीम कोटेड यूरिया प्लांट की स्थापना बरौनी में, ये भी बेगूसराय में ही है। कांवर ताल ये आपको बेगूसराय में मिलेगा, ये बिहार का पहला रामसर साइट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पिछले बार नहीं आया था पर अब आ सकता है। कांवर ताल आपका बेगूसराय में, मतलब पिछली बार भी आया था और उसके नेक्स्ट में पहले भी आया था, तो यहाँ पे आपका ये बनता है, क्या पता क्रॉस करने के लिए कुछ आ जाए, तो आपको ये याद रखना है। और ये 38वां है इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, ये भारत का 38वां है और बिहार का पहला है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाया गया है वो आपका बेगूसराय में ही बना है। एक ये बछिया है, बछिया का यहाँ पे बनाया गया था। नेक्स्ट मिलेगा आपको भागलपुर। भागलपुर में देखें तो नटखट साइंस लैब, सीमेंट सेंटर आपको भागलपुर में मिलेगा।
टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर आपको भागलपुर में ही मिलेगा। ब्रिंजल स्पीशीज कृष्णकली को भी कहाँ पे बनाया गया है, यहाँ भागलपुर में ही बनाया गया है। साथ ही सेकेंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यहीं पर एग्जिस्ट करता है आपका भागलपुर में, हमने पीछे देखा भी था। फर्स्ट एग्री हैकेथॉन की स्थापना भागलपुर में की गई है। आयरन और माइका का खोजा गया, आयरन और माइका इस पिछले 22 में ही खोजे गए हैं यानी 2022 में, कहलगांव के अंतर्गत, ये आपका भागलपुर में देखने को मिलता है हमें। साथ ही पीर पैंती एक जगह है, पीर पैंती 250 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है भागलपुर के अंतर्गत, और ये स्मार्ट सिटी का पार्ट भी है। स्मार्ट सिटी में आपका पटना, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर फेमस है, ये चार इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बिहार का सेकेंड बर्ड फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया कदवा दीरा के अंतर्गत, और ये फर्स्ट वाज इन जमुई, और पहला कहाँ पे था, जमुई में था। नेक्स्ट देखें तो आता है आपका भोजपुर। भोजपुर ये बर्थ प्लेस ऑफ वीर कुंवर सिंह, ये हम सब जानते हैं, ये कुंवर सिंह जी की जन्मभूमि है। इसके साथ साथ यहाँ पे खुरमा फेमस है, ये मिठाई है खुरमा, और ये GI टैग इसको दिया गया है, GI टैग इसको मिला है। विजय उत्सव यहाँ पे मनाया गया, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में सेलिब्रेट किया गया विजय उत्सव किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया, वो आपका भोजपुर ही आएगा। मनरेगा को देखें तो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया गया है भोजपुर के अंतर्गत मनरेगा में, ठीक है। PM आवास, ये आवाज नहीं है ये आवास है, PM आवास मतलब जो आपके लिए 2022 तक का टारगेट था ना, उसको आगे बढ़ा दिया गया है कि सभी को घर मिलेगा रहने के लिए पक्का घर। PM आवास योजना में टॉप किया है भोजपुर ने, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस लैब भी, ये प्रपोजल है कहाँ पे बनाने के लिए, भोजपुर में। नेक्स्ट है आपके पास बक्सर। बक्सर में देखें तो बायोगैस प्लांट आपका बक्सर में है, साइलो गोदाम आपका बक्सर में मिलेगा आपको। जल जीवन हरियाली अभियान में बक्सर ने टॉप किया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट की स्थापना बक्सर में, साथ ही एक डियर रिजर्व सेंटर बनाया गया है आपका कहाँ पे, बक्सर में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप दरभंगा। दरभंगा में विद्यापति एयरपोर्ट जो है यहाँ पे हाईएस्ट पैसेंजर ग्रोथ देखी गई, यहाँ पर हाईएस्ट पैसेंजर ग्रोथ देखी गई है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। साथ ही वंडर ऐप स्टार्ट हुआ है आपका दरभंगा से। मखाना इज द, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है यहाँ के मखाना को, और वैसे भी बिहार फेमस है मखाना के लिए। बिहार में एक सेकेंड एम्स की स्थापना की जा रही है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ पर बनेगा, आपका दरभंगा में। इंडिया का फर्स्ट ज्योतिष OPD सेंटर भी आपका कहाँ बनाया जा रहा है, दरभंगा में बनाया जा रहा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। बिहार का पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ये भी दरभंगा के अंतर्गत है। प्लैनेटोरियम ऑफ साइंस म्यूजियम, ये भी आपका दरभंगा में बनेगा। इसके साथ ही बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये आपका दरभंगा में है। सेकेंड मतलब बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ पर है आपका, दरभंगा में। कमेंट में करके बताइए कि पहला कहाँ पर है। ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में देखें तो बनकटवा ब्लॉक है यहाँ पर एक, जो 100% वैक्सीनेशन करने वाला जो जिला है वो बन गया है 18+ कैटेगरी में। इसके साथ ही इंडिया का पहला एनिमल ब्रीडिंग सेंटर ये बना है पीपरा कोठी, ये कहाँ पर है आपका, ईस्ट चंपारण में है। नेक्स्ट देखें तो नेशनल वाटर अवार्ड भी मिला है आपका ईस्ट चंपारण को, ईस्ट चंपारण को मिला है। साथ में स्वच्छ भारत मिशन में भी इसकी रैंक 1 है, ये आपका सच में इम्पोर्टेंट है दोनों फैक्ट। सोशल रिफॉर्म मिशन यहाँ से चालू किया गया, मतलब मोतिहारी से शुरू हुआ और ख़त्म हुआ आपका पटना में, इसको आप याद रखना है आपको। इसके साथ ही है आपका मोतिहारी नगर निगम, ये भी 100% वैक्सीनेशन वाला नगर निगम बन गया है 18+ कैटेगरी में। यहाँ पे ये आपको इस बार मुझे लगता है ये क्वेश्चन बन सकता है कि रग्बी को गोद किसने लिया है, तो वो लिया है आपका ईस्ट चंपारण ने। वाटर कंजर्वेशन में भी इसने टॉप किया है आपको ईस्ट चंपारण, इसको प्लीज़ रट लेना, यहाँ से शायद इस बार आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। इंडिया का हाईएस्ट मतलब सबसे ऊँचाई पर रामायण टेम्पल भी आपको कहाँ मिलता है, ईस्ट चंपारण में ही मिलता है।
बापू धाम की स्थापना, मतलब बापू धाम अवार्ड, बापू धाम अवार्डेड एज गोल्ड रैंकिंग। बापू धाम, यहाँ का जो बापू धाम है उसको गोल्ड रैंकिंग से सम्मानित किया गया है। बापू धाम कहाँ है आपका? ईस्ट चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गया। तो क्लीनेस्ट सिटी के रूप में गया को एक स्थान दिया गया है। जल जीवन मिशन और एनहेंसिंग ग्रीनरी, मतलब जल जीवन मिशन और ग्रीनरी को बढ़ावा सबसे ज़्यादा दिया है किसने? आपका गया ने। गया आपका यहाँ मिलेगा देखने के लिए। हाईएस्ट एडोलसेंट और सीनियर सिटीजन आपके यहीं पर मिलेंगे आपको। लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क, ये आपका डाभी एक जगह है गया के अंतर्गत, यहीं पर इस्टेब्लिश है। ठीक है, इसके साथ ही आपका इंटरनेशनल सूफी समिट, ये भी आपका गया में ही मिलेगा। फर्स्ट नगर वन ब्रह्मयोनी माउंटेन, ये आपका गया में है। अमृतसर दिल्ली कोलकाता, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसको जोड़ा गया है गया, मतलब गया को इन सबसे जोड़ा गया है और ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ठीक है, दिल्ली अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इससे गया को जोड़ा गया है। पहला बम्बू गार्डन कहाँ है आपका? गया में ही है। इसके अलावा सौभाग्य स्कीम में टॉप किया है किसने? गया ने। इसके साथ ही ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है पर इसका सेंस मैं बता रहा हूँ। ये है आपका महाबोधि संस्कृत सेंटर, ये भी आपका गया में ही मिलेगा आपको। रीजनल साइंस सेंटर भी आपका गया में ही है। बिगेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा, वो आपको यहीं मिलता है। इसके साथ साथ आपका तिलकुट, ये इसको GI टैग दिया गया है और ये कहाँ का फेमस है? गया का ही है। गोपालगंज की बात करें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका गोपालगंज में ही है, 1021। थावे टेम्पल, ये आपको गोपालगंज में मिलेगा, ये दुर्गा माता का टेम्पल है, इसको प्रसाद स्कीम में शामिल किया गया है। और पहला ऑक्सीजन प्लांट, ये इम्पोर्टेंट है, क्या पता इस बार आपके पेपर में आ जाए, तो ये आपका कहाँ पर है? गोपालगंज, और ये बिहार का पहला ऑक्सीजन प्लांट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जमुई। जमुई में देखें तो कलरव फेस्टिवल आपका जमुई में मनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है। नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको जमुई में देखने के लिए मिलती है। गोल्ड रिजर्व पाया गया है आपका जमुई में, ये बहुत फेमस था, न्यूज़ में था, पिछली बार नहीं आया, क्या पता इस बार आ जाए। गिद्धेश्वर माउंटेन आपका मिलता है जमुई में। इसके साथ ही बिहार का पहला ऑर्गेनिक विलेज कोडिया ग्राम, ये भी फेमस है कहाँ का? जमुई का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जहानाबाद। यहाँ पर इसने 7 निश्चय प्रोग्राम में टॉप किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगली और नेक्स्ट देखें तो 100% डिजिटल बैंकिंग सर्विस देने वाला जिला भी कौन सा बन गया है आपका? जहानाबाद। कैमूर की बात करें तो मुंडेश्वरी महोत्सव आपका कैमूर में है। पहला राइस साइलो गोदाम, ये भी आपका कैमूर में देखने को मिलेगा आपका। हाईएस्ट एंड परसेंट वाइज भी देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर आपका कैमूर में ही है। दूसरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे कैमूर में मिलेगा आपको। बिहार का सेकंड सुपर ग्रिड, सेकंड सुपर ग्रिड कहाँ पर है? कैमूर में है। नेक्स्ट है आपके पास कटिहार। कटिहार में हाईएस्ट मेज़ का प्रोडक्शन किया गया है 2022 में, पर हेक्टेयर में आपको देखा जाए तो सुपौल है। क्वांटिटी वाइज देखा जाएगा तो आपका कटिहार है, पर हेक्टेयर में आपका सुपौल है। नेक्स्ट है आपका बिहार कम्युनिटी रिजर्व गोगाबील, ये इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर फेमस है आपका? कटिहार में। आप इस वाले को याद नहीं करेंगे, ये मैंने यहाँ पे शायद गलती से लिख दिया है, ये आपका कैमूर में ही है, जो हमने पीछे पढ़ा था कटिहार में नहीं है, तो आप इसको याद नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास खगड़िया। खगड़िया में देखें तो नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में खगड़िया ने टॉप किया है ओवरऑल कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गरीब कल्याण योजना, वो यहीं से शुरू होती है आपकी। बिहार का सेकंड मेगा फूड पार्क भी कहाँ है आपका? खगड़िया में ही है। नेक्स्ट है आपके पास किशनगंज। सबसे ज़्यादा गरीब आपके किशनगंज में ही मिलते हैं नीति आयोग के MPI इंडेक्स के अनुसार। इसके अलावा कंप्लेंट, मतलब सुनवाई करने का जो टॉप किया है, सुनवाई करने में लोगों की शिकायतों की सुनवाई करने में जिसने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक आई है, वो है आपका किशनगंज। टी कंपनी खुली है आपकी किशनगंज में। इसके अलावा बिहार का पहला डिजिटल फर्टिलिटी मैप किसने तैयार किया है? आपका किशनगंज ने किया है। नेक्स्ट है आपका लखीसराय।
यहाँ पर है आपका अशोक धाम टेम्पल। मधेपुरा में देखें तो इंडिया का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन यहीं पर आपका बनाया गया है और ये इंडिया का है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, 12,000 हॉर्स पावर का इंजन आपका मधेपुरा में। नेक्स्ट है आपका मधुबनी, इसने फिश प्रोडक्शन में टॉप किया है। इसके साथ ही पीएम ग्रामीण डिजिटल लिटरेसी में इसने टॉप किया है। इसके अलावा ये फेमस है आपका सुखेत मॉडल, ये आपका इम्पोर्टेंट है, सुखेत मॉडल फेमस है आपका कहाँ का, मधुबनी का। नेक्स्ट देखें तो मुंगेर, ये क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर आपका क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट है फ्रॉम ऑल राउंड ऑफ मतलब जितने भी गंगा के किनारे बसे हुए आपके राज्य हैं सॉरी जिला हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो साफ है वो आपका मुंगेर है। इसके अलावा बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज भी आप ये मुंगेर में खोला गया है। नेक्स्ट है आपके पास एक रेल कम रोड ब्रिज, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बिहार में पूछे जाते हैं, जिसकी लंबाई है 14.5 किलोमीटर, ये खोला गया है आपका मुंगेर में। नेक्स्ट है आपके पास एक जमालपुर क्रेन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ना, 67 में आई ना 66 में, तो यहाँ पे बनता है कि इस बार आपका ये आ जाए, जमालपुर क्रेन इज़ हेयर, ये यहाँ है आपका मतलब मुंगेर में ही है। इसके अलावा बिहार का सेकेंड एक रेल टनल बनाई गई है, ये भी कहाँ है आपकी, मुंगेर में है। नेक्स्ट है आपका मुजफ्फरपुर, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में है, पहला दूसरा वाला मैंने पीछे बताया था। वैक्सीन बोर्ड की शुरुआत की गई आपके मुजफ्फरपुर में। हल्दीराम में इन्वेस्ट करने वाला है यहाँ पे 500 करोड़। इसके अलावा बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक ये बनाया गया है आपका मुजफ्फरपुर में। एग्री ट्रेनिंग सेंटर ये भी आपका मुजफ्फरपुर में ही है। पोर्टेबल आंगनवाड़ी सेंटर ये आपका मुजफ्फरपुर में है। इसके साथ साथ नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था वो इसमें टॉप किया है एजुकेशन वाले क्राइटेरिया में, किसने, मुजफ्फरपुर ने। स्मोकिंग फ्री डिस्ट्रिक्ट भी आपका कौन सा है, मुजफ्फरपुर है। इसके अलावा है आपका बिहार शरीफ या फिर नालंदा के नाम से जो फेमस है, ये यहाँ पे 6th धम्म कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है। फिल्म सिटी यहाँ पे एक बनाई जाएगी, ग्लास ब्रिज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, रोड डेटा बेस इसने सबसे पहले तैयार किया है बिहार शरीफ ने, यहाँ पे ही फेमस है आपका रोप वे। इसके अलावा नेचर सफारी, जू सफारी, ग्रीन सिटी, बिहार का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी राजगीर में ही मतलब नालंदा में ही खोला गया है ये बिहार शरीफ। इसके अलावा फर्स्ट मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भी आपका बिहार शरीफ में ही है। नेक्स्ट आपका आयुर्वेद महापर्व सेलिब्रेट किया गया आपका कहाँ पे, बिहार शरीफ यानी नालंदा। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और बचे हैं, सेकंड हाईएस्ट बुद्ध स्टैचू आपका यहीं पर है, इसका ये घोड़ा कटोरा लेक है इसके पास, ये इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना आप। इंटरनेशनल आयुर्वेद सेंटर यहीं पर खोला गया है, ठीक है, बुद्ध के भगवान के बारे में जो भी आता है ना और वो बिहार से कनेक्टेड हैं तो प्लीज उसको रट लेना। नवादा एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट के क्राइटेरिया में इसने टॉप किया है। पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा यहीं पर फेमस है नवादा के अंतर्गत, खनवा या खनवा इसको आप याद रखेंगे भूलेंगे नहीं। पहला इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस देने वाला ये फेमस है आपका नवादा में। इसके अलावा ईट राइट कैंपस ये भी कहाँ पर है आपका, नवादा में ही है। पूर्णिया की बात करें तो ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट ये आपका पूर्णिया में है। सेकेंड डॉपलर रडार यहीं पर है आपका पूर्णिया में, पहला आपका पटना में था, ठीक है, ये डॉपलर वाला इंपॉर्टेंट इसको याद कर लेना आप। पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पीडीएस सप्लाई में पूर्णिया ने सबसे अच्छा काम किया है। इंडिया का लार्जेस्ट जूट और नेचुरल फाइबर पार्क ये आपका पूर्णिया में है। कंट्री का पहला प्लेस वेयर ऑल पंचायत हैज़ लाइब्रेरी मतलब एक किताब दान प्रोग्राम था वो शुरू किया गया था, तो किताब दान आ जाए या फिर पूरे पंचायतों में लाइब्रेरी की स्थापना ऐसा कुछ भी आएगा तो आप पूर्णिया के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रोहतास, यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया गया, 38 किलोमीटर का रोड तैयार हुआ कब, 98 आवर्स के अंतर्गत। बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क भी कहाँ बनाया गया है आपका, रोहतास में। नेक्स्ट है आपके पास सहरसा, यहाँ पे पहला पेपरलेस कलेक्टरेट की स्थापना की गई है सहरसा में। इसके अलावा 19वां नगर निगम भी कहाँ पे बनाया गया है आपका, सहरसा में ही बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आता है आपका समस्तीपुर,
प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट, ये इम्पोर्टेंट है आपका, इसको आप याद रखेंगे। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट ये आपका समस्तीपुर में है। ONGC यहाँ पे एक पेट्रोल सर्च करने की बात की है ONGC ने। इसके साथ साथ किसान मेला कहाँ पे आयोजित किया गया आपका, समस्तीपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सारण, यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट कार्गो टर्मिनल आपका देखने को मिलता है कहाँ पे, सारण में। इसके अलावा इंडिया का सुपर पावरफुल डीजल इंजन गजराज, मोस्ट फेमस, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये फेमस ही बहुत ही था गजराज, न्यूज़ में भी रहा है काफ़ी गजराज, ये फेमस है आपका। मढ़ोरा एक जगह है, मढ़ोरा ये कहाँ पर है आपकी, सारण में। तो गजराज को याद रखेंगे आप, सारण या फिर मढ़ोरा, कुछ भी आ जाए तो गलत नहीं करना है। बिहार संवाद यात्रा, इसकी शुरुआत की गई थी सारण में। शेखपुरा, ये पहला फर्स्ट गुड गवर्नेंस, मतलब गुड गवर्नेंस की शुरुआत करने वाला आपका शेखपुरा पहला है। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड को आधार से लिंक किया है किसने, शेखपुरा ने। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि आधार को लैंड रिकॉर्ड से लिंक किसने किया है, शेखपुरा ने, सच में इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास शिवहर, तो एक एडवाइजरी कमेटी किसने बनाई है पंचायत लेवल पर, तो वो शिवहर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सीतामढ़ी, यहाँ पे सीतामढ़ी आपका 18वां नगर निगम है बिहार का। इसके अलावा पुनर्वा धाम है सीतामढ़ी में, इसको स्वदेश और प्रसाद स्कीम दोनों में शामिल किया गया है, ठीक है। एक 251 मीटर की सीता माता का स्टैचू भी आपका कहाँ पर है, सीतामढ़ी में है, और यही क्वेश्चन आपका लास्ट बिहार के प्री में पूछा गया था, जो आपका पेपर हुआ है सितंबर में या फिर अगस्त में। इसके अलावा बालूशाही सीतामढ़ी की फेमस है, जिसको GI टैग मिला है। सिवान की बात करें तो 7 निश्चय प्रोग्राम में सिवान ने टॉप किया है। इसके अलावा सिवान से ही विदेशों में जाने वाले जो रोजगार प्राप्त करने की इच्छा से जाते हैं वो टॉप पर रहते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन टॉप पर है सिवान के अंतर्गत, रोजगार की तलाश में अब्रॉड जो जाते हैं। सुपौल की बात करते हैं, इसमें है आपका एक हाइड्रो प्रोजेक्ट डगमारा 130 मेगावाट का, ये सुपौल में ही है। बिहार का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर इलेक्ट्रिक हाउस, ठीक है, ये भी आपका सुपौल में ही मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क ये कहाँ है आपका, गया में। दूसरा था आपका सुपौल, ये दूसरा गया में था, ये इस बार आपका सुपौल में है, और अररिया आपका दूसरा है, ठीक है। तीसरा आपका सुपौल है, पहला गया है, और दूसरा अररिया है, यही ठीक है, यही मतलब यही क्राइटेरिया इसका, ये दोनों। इसके अलावा पहला गार्बेज फ्री डिस्ट्रिक्ट भी कहाँ पर है आपका, सुपौल में है। पहली कोसी सफारी यहाँ पे किसने शुरुआत करी, सुपौल ने की है। वैशाली की बात करें तो दीदी की रसोई यहाँ पे फेमस है। बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूज़ियम यहाँ पे बनाया गया है वैशाली में, और फॉरेन डेंटिस्ट सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, वैशाली में ही की गई है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट चंपारण, ये 14th वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और ये कैट्स प्रोग्राम, जो आपका कैट्स प्रोग्राम है उसका हिस्सा है, ठीक है। पहला स्वाभिमान बटालियन, महिलाओं के लिए एक स्वाभिमान बटालियन की स्थापना की गई थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको क्रॉस करने के लिए इस बार पेपर में आ जाए, क्योंकि लास्ट पेपर में तो ये नहीं था। तो स्वाभिमान बटालियन फेमस है आपका, और ये वेस्ट चंपारण में है। इसके साथ ही देखें तो पहला मैत्री पार्क चनपटिया ये बहुत फेमस है, सच में ये इम्पोर्टेंट है, चनपटिया आपका वेस्ट चंपारण में है, इसको भूलना नहीं है। फर्स्ट मैत्री पार्क है आपका चनपटिया, कहाँ पे, वेस्ट चंपारण। टेक्सटाइल पार्क भी देखने को मिलेगा आपको वेस्ट चंपारण में। इसके साथ ही 11,000 पौधों की माँ के नाम से फेमस है आपकी, ये ललिता है, यहाँ पे ये जी गलत लिख गया है, ललिता जी इनका नाम है, ललिता देवी, और ये कहाँ पे हैं, वेस्ट चंपारण में। यहाँ होता है हमारी वीडियो का एंड। कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स रही हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में ही वीडियो बनाया गया है और बहुत जल्दी में बनाया, तो मिस्टेक्स रही हैं। इसके अलावा मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे फैक्ट मैंने क्रॉस चेक किए हैं और ये ठीक हैं, तो आप इनको रिलाय कर सकते हैं। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप उसको प्लीज़ क्रॉस चेक कर लेना और कमेंट में उसको कमेंट कर देना, ताकि मुझे लगता नहीं है उम्मीद कोई गलत हुआ है, लेकिन अगर हुआ भी होगा तो उस बच्चों को उसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।
थैंक यू।